हेलो फिफ्थ ग्रेडर्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेटा, इन लास्ट क्लास इन चैप्टर 17 वी हैव डन एक्सरसाइज 4। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5। बेटे, लास्ट क्लास में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था और इसमें हम करेंगे कि व्हाट टाइम विल बी, टाइम क्या होगा जब। अगर उसने टाइम पूछा है कि अगर आप मान लो आप इतने बजे बैठे हो और इतने घंटे बाद आपको ये काम करना है, तो उस समय टाइम क्या होगा, कोई पूछता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसको टाइम चेंज करना है। बेटा, एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन 1, व्हाट टाइम विल बी, क्या टाइम होगा। फर्स्ट 6 hours 14 minutes आफ्टर 7:30 AM। बेटा, AM और PM, ये आफ्टर में हम क्या करते हैं, आफ्टर बिफोर आता है ना आपको, आफ्टर में हम आगे बढ़ते हैं और बिफोर में हम पीछे की तरफ, मतलब इसमें प्लस और इसमें माइनस, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें करना है प्लस माइनस। ऐसे ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आवर्स मिनट्स। बेटा, ये 6 hours 14 minutes, 7 और 30, ये हम लिखेंगे इसको 4, 3 और 1, 4, 6 और ये 7, 13। बेटा, 13 hours 44 minutes, ठीक है, ये हमारा आया। अब 13 hours, जब हमारा PM आ जाता है 12 noon के बाद, तो हम कैसे करते हैं 13 को 1, तो क्या होगा 01:44 PM, यानी कि 7:30 के बाद अगर हम 6 घंटे आगे चलते हैं तो हमारा जो टाइम होगा वो होगा 1:44 PM, दोपहर के 1:44 minutes, ठीक है बेटे। तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी अपने आप करना है, आपने बी पार्ट, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइम वाज इट। अब इसमें क्या है, बिफोर, ये आफ्टर था, ये क्या है, बिफोर। 1 hour 25 minutes बिफोर 1 PM। बेटा, 1 PM से पहले का टाइम, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि PM में हम क्या करते हैं, 12 जो होते हैं ना वो हम प्लस करते हैं, तो हमारा आवर्स और मिनट्स में तब आएगा इसका, ठीक है। तो 12 और 1 13, तो क्या होगा 13 hours। ये आवर्स और मिनट में चेंज करने के लिए कोई भी PM का होगा तो उसमें हमने 12 जो है वो प्लस करने, 12 o'clock। तो बेटे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 13, तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना हमने, तो यहाँ हमने लिखा आवर्स और यहाँ लिखा मिनट्स। एक मिनट में सबको पता है बेटा कितने सेकंड होते हैं, सॉरी, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो बेटा, ये जो मिनट्स हैं इसको हम इसमें 60 करेंगे, ठीक है, इसको 60 मिनट्स करेंगे, और उसके बाद हमारा आता है 1 hour और 25 minutes, ठीक है बेटा, इसको माइनस करना है। एक घंटे में, एक आवर में 60 minutes और एक मिनट में 60 seconds। बेटा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सम्स कर पाएंगे, ठीक है। अभी जीरो में से फाइव नहीं जा सकता, इसे कैरी ओवर लिया हमारा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, 35, और 3 में से 1 गया। हमने जब इसको माइनस करा ना, तो ये 60 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे 2 बन गया, 12 हो गया, यहाँ बन गया 1 और यहाँ बन गया 1, 11, ठीक है बेटे, 11:35 AM, यानी कि एक घंटे पहले कितना टाइम था हमारा, 11:35 AM सुबह के, क्योंकि हम दोपहर का टाइम पूछ रहे थे, दोपहर के 1 PM से पहले का टाइम, तो वो क्या है, जब इसको इधर से लेंगे ना बेटा, तो ये 0060 में चेंज हो जाएगा और यहाँ 1 जो है वो कैरी ओवर से लेंगे, ठीक है ना बेटे। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है बेटे, वो आपने खुद करना है, ठीक है। और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।